छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण का जो चुनाव है उसके लिए प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी प्रत्याशी और वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल पर प्रचार के दौरान बैजनाथ पारा मदरसे के पास हमला हुए जाने के बाद सियासत गरमाई हुई है। भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को गुंडों के हाथ में और नहीं छोड़ सकते। पहले खुज्जी की महिला कांग्रेस विधायक, फिर नवागढ़ में मंत्री पर हमला हुआ, फिर हमारे वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती छाया वर्मा ने भाजपा पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। माहौल है पूरा छत्तीसगढ़ में, इवन हमारे विधायक ब्रजमोहन जी पे हमला हुए है। इन अपन विधायक लो तो बचा नहीं सके। चन्नी साहू ला एक आदमी दारू पी के चाकू मारी से का कली से सरकार है। टिकारी में एक महिला के लाश मिली, आज तक 4 महीना लगभग शिनाख्त नहीं कर पाए। 5 साल के बच्ची के साथ बलात्कार होते, इवन सही समय में इलाज पर नहीं भेज पाए अस्पताल में। अतका संवेदनहीन हो गए पुलिस। ब्रजमोहन अग्रवाल के ऊपर कोई असामाजिक तत्व हमला करे ये संभव नहीं है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल जी अपने आप में एक ऐसे शख्सियत हैं जिस पर कोई भी इस तरह के हरकत करने का हिमाकत नहीं कर सकते। या तो वो भय में बोल रहे होंगे या डर में बोल रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा।